मैं नहीं हूँ। लोग यार आज के लोग में ना हमारा मेन जो सा काम है ना, हमारा मेन काम यही है कि हमने ना बाइक को करना वॉश। बाइक तो मेरे पास आ गई है लेकिन मैंने ना इसकी मत बहुत मार ली, मतलब इसको अपने हिसाब से ना मैंने वॉश नहीं किया। मतलब ये देखे ना फुल मिट्टी लगी हुई है इसके आगे पीछे, मतलब मैंने अभी हल्का सा कपड़ा मारा तो साफ लग रही है वरना मिट्टी मिट्टी थी फुल। आप चेक करवाते हैं, देखिए मिट्टी सी जगह भरी हुई है, ये इसके अंदर वो मिट्टी, ये सिलेंसर हमने साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने टोटली साफ़ करनी। तो उससे पहले ना हमने एक काम करना है कि हमने ना ये कार्ड उतारना है इसके प्लेटफॉर्म वाले और ये शॉपर उतारना ताकि ये ख़राब ना हो सके। तो ये लगाना भी तो है ना, तो अभी पहले इसको वॉश करते हैं और आपको चेक करवाते हैं, ठीक है ना। कार्ड वगैरह और चॉपर वगैरह तो उतार दिए, तो वो सारा सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है तो इसको ज़रा वॉश करते हैं। तो जेन बन रहा मशीन के साथ वॉश करने का लेकिन ना टाइम बहुत लग जाना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही वॉश करें लेकिन यार मशीन के साथ मज़ा आता, तो मशीन के साथ ही वॉश करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी देर कोशिश की है तो मशीन स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने कहा यार पाइप से वॉश कर लेते हैं, अच्छी तरह वॉश कर। Thank you.
लगाते हैं इस पर अच्छी तरह तो अब ना हम ऐसा करते हैं इस पर पॉलिश लगाते हैं और पॉलिश इस पर अच्छी खासी लगाते हैं ताकि ना चमकने लग जाए और बाइक को अच्छी तरह हमने धो लिया तो बाइक फुल नीट एंड क्लीन हो गई, फुल अच्छे लिए हो गए। तो ना अब इसका कल जाके कुछ सामान लेके आना तो वो भी लेके आएंगे, तो अभी ना इसको ऐसे ही छोड़ देते ताकि ना शाइन वगैरह निकले और पंखा वगैरह चला देते हैं ताकि ना और रोशनी हो जाए और रोशनी करती है थोड़ी हवा लग जाए इसको। तो अभी ना इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद आके शॉपर वगैरह डाल के कार्ड वगैरह लगा देते हैं इस पर, ठीक है ना। हमारी बाइक तो अच्छी तरह साफ हो चुकी है और उसका पानी वगैरह भी कुछ हो चुका है जिससे ना बाइक की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। तो चेक करें जरा, बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ना अब मैं इसके ऊपर शॉपर और कार्ड लगाऊंगा और उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है ना। अब जरा चेक करें, हमने कार्ड वगैरह इस पर लगा दिए हैं, शॉपर वगैरह लगा दिए और जिससे ना बाइक नई नई फुल हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप लोगों ने देखे माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, ठीक है ना। तो इसके अलावा ना अब एक दो मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने सामान लेने जाना है मार्केट, तो अभी ब्लॉक कर लेते हैं एंड। तो उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है, ठीक है ना, कि हम इस पर और क्या क्या काम करें जिससे बाइक की लुक अच्छी हो जाए। और मतलब इतना ओवर काम नहीं करना हमने, सिंपल काम करना ही, मतलब सिंपल ही हमने रखनी इतनी बाइक जो सी ओवर करनी चला वो हमने 1-5 रख लिया ना। तो सारा काम जो सा था ना 1-5 पे किया हुआ हमने, तो हमने इसको इतना सिंपल रखना जिससे ना हम मतलब इसको लेके भी जा सकें और इसको अच्छी तरह चला भी सकें, कोई टेंशन वगैरह ना हो। और बाइक का अलहमदिल्ला टेंशन तो उसकी भी नहीं है, लेकिन ना वो हमने मतलब स्टिकरिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की की हुई है। तो आप लोगों ने बताना ज़रूर कि हम इस पर कौन सी स्टिकरिंग करवाएं और इस पर क्या क्या मॉडिफिकेशन करें, ठीक है ना। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी नई से नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।